बाल बाल मरने से बचे सैम कुरेन। जी हां, आपको बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग के बीच चल रहे मैच में सैम कुरेन शेन वॉटसन के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसे में शेन वॉटसन के खिलाफ एक गेंद की और शेन वॉटसन ने उसको 150 प्रति किलोमीटर की गेंद को जो आ रही थी उनके बल्ले की तरफ उसको जोर से हिट किया और गेंद सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैम कुरेन की तरफ जाई थी। बल्ले से लगने के बाद गेंद की स्पीड करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई और ऐसे में बॉलर सैम कुरेन के पास बहुत कम मौका था इस गेंद से बचने के लिए और वो आप देख सकते हैं कि डर के मारे उनका चेहरा भी सूख गया। लेकिन किस्मत की बात यह थी कि ये गेंद उनके सिर पे लगने के बजाय कॉलर बोन पे लगी और जिसके वजह से वो बाल बाल बच गए। अगर ये गेंद शायद उनके सिर पे लग जाती तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत बड़ा एक दर्दनाक घटना हो सकती थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि सैम कुरेन के कॉलर पे ये गेंद लगी जिसकी वजह से वो बच गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शेन वॉटसन और फैलेप डुप्लिसी जो कि उनके नॉन स्ट्राइकर पे थे वो भी डर गए थे। हालांकि इसके बाद डॉक्टर को दिखाया गया और सबसे अच्छी बात यह है कि सैम कुरेन अब सुरक्षित हैं।